हेलो क्लास नाइन्थ द लॉस्ट चाइल्ड आपकी सेकंड बुक का लेसन है। इसके अंदर एक बच्चा जो खो जाता है तो अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करता है वो दिखाया जाता है। वैसे वो मेले में हर चीज़ को देख रहा था और जब खोने के बाद उसको अपने माँ बाप साथ जब साथ होते हैं तो हर चीज़ उसको चाहिए थी, लेकिन जब उसके माँ बाप उसे खो जाते हैं तो सिर्फ उसको माँ बाप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके अंदर यही दिखाया गया है। ठीक है, इस लेसन में ए चाइल्ड गोज़ टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स कहते हैं एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। ये बता रहा है कि बच्चा है वो मेले में जाता है, माता पिता के साथ बहुत खुश था वो और उत्तेजित भी हो रहा था और वो बर्फियाँ यानी कि वो मिठाइयाँ और वो खिलौने वो चाहता था जो वहाँ दिखाए प्रदर्शित किए गए थे। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, परंतु उसके माता पिता उसके लिए खरीद नहीं सकते थे। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तब वो क्यों मना कर देता है जब कोई उसको वही चीज़ें वापस इनकी दिलाता है, इनकी उन्हीं चीज़ों को देने की पेशकश करता है तो वो बच्चे हैं वो मना कर देता है। It was the festival of spring, ये बसंत का मौसम था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity, और कहता है कि from the wintry shades और बारिश यानी कि सर्दी के बाद जब क्या कहते हैं तंग गलियों के अंदर से एकदम से मानवता उमड़ी चली आ रही थी। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ चल रहे थे कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। अदर सेट कुछ बैठे थे बीइंग कैरीड इन बैम्बू, वो सभी बांस की बनी हुई एंबुलक कॉर्ड्स बांस की बनी हुई जो गाड़ियाँ थी उसके अंदर बैठे थे और वो किससे चलती थी बैलगाड़ियों बैल से चलती थी वो गाड़ियाँ बैलगाड़ियों में बैठे थे यानी कि। वन लिटल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा बच्चा अपनी पिता की टांगों के अंदर से निकल कर आता है। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर, और हंसी खुशी से भरपूर था वो बच्चा। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बच्चे आओ उसके माता पिता ने बोला। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वो पीछे रह जाता। Fascinated by the toys in the shops that lined the way, और उन खिलौनों से वो आकर्षित हो रहा था जो कि इन दुकानों में सजे हुए थे उस रास्ते में लाइन से लगे हुए थे। He hurried towards his parents, वो अपने माता पिता के पास जाने की जल्दी भी थी उसका। His feet obedient to their call, उसके पैर थे वो उन अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी थे यानी कि वो जिधर आवाज़ लगाते वो बच्चे उधर पहुँच जाता। His eyes still lingering on the receding toys, और उसकी आंखें थी वो पीछे रह जाती थी उन जो खिलौने थे उनको देखते हुए। As he came to hear, they had stopped to wait for him. और वो कहता है कि as he came to hear, they had stopped to wait for him. और जहाँ उसको रुकने के लिए कहा जाता था वो रुक जाता था। He could not suppress the desire of his heart, वो अपने दिल की इच्छा दबा नहीं सकता था। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, यद भी वो जानता था कि उनकी आंखों में क्या था, सिर्फ मनाई छुपी थी। I want that toy, he pleaded, उसने बेचारे ने एक तरह से प्लेट करना मतलब प्रार्थना की उसने और गिड़गिड़ाया इनकी वो कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसके पिता ने उसको लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर ट्रायम्स वे, डराने वाले अंदाज में चिरपरिचित अंदाज में। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे एंड टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसकी माँ थी वो पिघल जाती है एक तरीके से और दिन भर की सॉफ्टनेस की वजह से वो उसके अपनी उंगली पकड़ने को देती है और कहती है लुक चाइल्ड, देखो बच्चे व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तुम्हारे सामने एक फूलों का सरसों के फूल का खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इतने पीले हैं इतने सुंदर हैं जैसे पिघलता हुआ सोना होता है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स, जैसे ये मीलों फैले हैं एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, मीलों मीलों दूर धरती पर फैले हैं। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज हुआर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और एक जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनका ग्रुप था वो वहाँ से घूम रहा था आवाज़ करता हुआ। उनके बैंगनी कलर के पंख होते हैं
इंटरसेप्टिंग द फाइट ऑफ इलोन ब्लैक ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो फूलों की और मिठास लेने के लिए उनके साथ साथ मधुमक्खियों के साथ और तितलियों के साथ वो सभी एक साथ वहाँ से घूम रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और बच्चे ने उनका पीछा किया हवा में और देखा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, और जब उनमें से एक थी वो क्या हो गई अपने पंखों से एंड रेस्ट उड़ करके रेस्ट करने नहीं लगी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने लगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फड़फड़ाती रही। फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, और हवा में उड़ गई। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कोट इट इन हीज हैंड्स, जब उसने लगभग उसको अपने हाथों में पकड़ ही लिया था। देन हीज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, और तब उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी आवाज़ दी उसको। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, पगडंडी पर आ जाओ। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, और वो अपने माता पिता की आवाज़ के साथ ही आ गया और उनके साथ चलने लगा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जब तक वो पीछे नहीं रह गया था। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, और उन छोटे मोटे कीटों के द्वारा वो आकर्षित हो गया था कीटों के द्वारा। द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ रहे थे टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द सेट ऑफ ए ग्रोव, और उसके माता पिता ने उसको बुलाया। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, जो एक कुएं के किनारे पर बैठे थे। ही रेन टूवर्ड्स देम, वो उनके पास आया। इनकी छायादार पेड़ों का झुंड था वहाँ, और कुएं के पास किनारे पर बैठ गए थे नज़दीक। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर फूल गिरे। एज ही एंटर द ग्रोव, जैसे ही वो पेड़ों के झुंड में आता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और वो अपने हाथों में उन मोतियों को इकट्ठा करने लगा जो कि उसके हाथों में पड़ रहे थे, गिर रहे थे। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और उसने क्या सुना, पेरेंट डॉल्स जो फाकता होते हैं सफ़ेद पक्षी, उनकी उन्होंने आवाज़ सुनी और अपने माता पिता के साथ साथ दौड़ गए शाउटिंग। उसके माता पिता चिल्लाते रहे और वो चिल्लाता है, द डॉव फाकता फाकता, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसके हाथों में जो मोती झड़े हुए गिरे थे वो गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुला रहे थे। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द विल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, जो कि बच्चा था वो भाग रहा था, जंगली लताएं थी बनियन ट्री के इर्द गिर्द छा रही थी। एंड गेदरिंग हिम अप द लुक द नैरो टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और थोड़ी जगह दे रही थी इनकी, तंग जगह बनी हुई थी उस जंगली लताओं की वजह से। जो पगडंडी का रास्ता था वो मेले में जाता था, जो सरसों के खेत थे उसके अंदर से होता हुआ पगडंडी का रास्ता जो छोटा हो रहा था जंगली लताओं की वजह से। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स, और गाँव के नज़दीक उसने बहुत से फुटपाथ देखे थे कांटों से भरे हुए, कवरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले के अंदर। एंड फेल्ट एट वंस रिपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, मेले के अंदर जाते ही वो क्या करता है अपने आप एकदम से सब चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाता है और वो एकदम कन्फ्यूज हो जाता है वो बच्चा, किस कौन से संसार में आ गया। ए स्वीट मीट सेलर हाफ, और एक स्वीट इनकी मिठाई बेचने वाला जो हाकर होता है वो चिल्लाता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, ठीक है, वो इन मिठाइयों के नाम लेता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और कहता है कि कोने के ऊपर दूर कोने में उसके घुसते ही जहाँ भीड़ हो जाता थी उसके काउंटर पर और पैर रखने की जगह नहीं
मिल रही थी, बहुत से कलर की स्वीट्स थी उसके पास, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और सिल्वर और गोल्ड कलर का जो पत्तियां थी उसे वो सजी हुई थी, चांदी सोने की कलर के जो पत्ते थे उनसे वो सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइट, और बच्चा अपनी खुली आंखों से उनको आंखें फाड़ फाड़ देख रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट बर्फी, उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे धीरे बुड़बुड़ाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज क्लियर वुड नॉट बी हीटेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रेडी, क्योंकि वो आधी ही बात जानता था। उसने धीरे धीरे बेचारा गिड़गिड़ाया, और वो जानता था उसकी बात है ना वो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता उसको कहेंगे वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और उसने बिना किसी बात का जवाब पाए इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। ए फ्लोवर सेलर हाफ डे, एक फूल बेचने वाला चिल्लाता है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा उसकी तरफ भी एकदम खींचा चलाया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट पे द फ्लोवर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, और जहाँ बास्केट में फूल बिखरे हुए थे उसके पास टोकरे में आधे ढेर था उसके पास, और वो धीरे धीरे बोल रहा आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, परंतु अच्छी तरह जानता था उसके माता पिता उसको लेने से मना कर देंगे। बट ही बाई हिम दोज फ्लोवर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे वो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी बात का इंतजार किए वो आगे बढ़ता चला गया।